let's eat it. इतना पसीना पसीना में हो गया. Good morning and welcome back to the channel. So I am Ada and I am back with my another new video. And so for today's video, as guys you can see in the title and the thumbnail, so basically in this video we are going to eat only Korean food for 24 hours. Let's see कि 24 hours तक हो पाता है या नहीं. But मैंने बहुत सारे recipes देखे हैं कि वो बना सकते हैं हम लोग, तो वो बनाएंगे. And आज सारा दिन किचन में गुजरेगा. चार टाइम का मील बनाना है, तो इसलिए मैं यहीं पर बैठ गई हूँ अभी. अब हम लोग ब्रेकफास्ट की प्रिपरेशन करते हैं, तो आप लोग वीडियो पूरा देखो एंड या हिट द लाइक बटन. एंड नाउ विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड. एंड यही वीडियो थी जिसकी मैं बहुत पहले से प्रिपरेशन कर रही थी. चलो पहले ब्रेकफास्ट बनाते हैं बिकॉज बहुत जोरों से भूख लग गई है. प्रिपरेशन के लिए हमें चाहिए होंगे बहुत सारे वेजेस लाइक. तो अभी मैं कैप्सिकम को कट कर लेती हूँ. पहले होगी कैप्सिकम की मर्डर. सारे वेजीज कट कर लिए हैं विच इज कैप्सिकम, अनियन, कैरेट एंड टमेटोज. तो बेसिकली ब्रेकफास्ट में हम लोग बनाने वाले हैं या चाय जेहोन, पता नहीं क्या नाम है ब्रेकफास्ट की, बट हम लोग को नाम से क्या मतलब, हम लोग को तो बनाना है एंड टेस्ट करना है. तो या लेट्स स्टार्ट. तो सबसे पहले ऑल पर्पस फ्लोर एंड इसमें अब थोड़ा वाटर ऐड करते हैं. नो आइडिया कितना क्वांटिटी में करना है. एंड सारे रेसिपीज जो है मैंने यूट्यूब से ही देखा है. हाँ इतनी कंसिस्टेंसी ठीक है. ठीक है. ओके सो इसमें अब हम कुछ मसाले ऐड कर लेते हैं विच इज़ ब्लैक पेपर, बिकॉज वहाँ तो इंडियन मसाले यूज़ नहीं होते ना, दैट्स वाई. एंड कलर के लिए हम थोड़ा ऐड करेंगे रेड चिली पाउडर. ओ वाह वाइट वाइट भी कितना प्यारा लग रहा है ना ये सारे. अब इसे मिक्स करेंगे एंड ऑफ कोर्स इसमें सॉल्ट तो जाएगा ही. सारी वेजीज एंड दिस इज द बेस्ट पार्ट. अब मैं ऐड करूंगी टमाटर, कैप्सिकम, अनियन. कितने कलरफुल लग रहे हैं सारे. ओके नाउ लेट्स मिक्स इट. आवर बैटर इज रेडी. लुक एट दिस. ओ वाह यहीं से यम्मी लग रहा है. अब इसे हम बिल्कुल जल्दी से फ्राई कर लेते हैं एंड अपना ब्रेकफास्ट करते हैं. पैन जो है वो हीट हो चुका है, थोड़ा हम भी आएंगे ना. अब इसमें ऑयल ऐड करेंगे. ओ अब इसे डालते हैं हम लोग. इट लुक्स सो प्रेटी. मम्मा इज हेयर फॉर फ्लिपिंग बिकॉज मुझसे तो ये नहीं हो पाएगा. ओ माई गॉड मामा हो गया, थोड़ा सही आ गया. कोई बात नहीं, वीडियो में इतना गंदा बचाते हैं तो थोड़ा साफ भी करना पड़ेगा ना. आवर ब्रेकफास्ट इज रेडी एंड इट लुक्स सो यम गाइस. एक तो इतना कलरफुल लग रहा है एंड इसके साथ हम सोया सॉस खाएंगे बिकॉज सोया सॉस के साथ ही कोरियन लोग सारे खाते हैं. एंड या डू यू गाइस नोटिस chopsticks, so I will try with eating but I don't know how to eat with chopsticks. So let's eat it. तो बहुत ही struggle के बाद एक bite तोड़ के hot. So it's so tasty and इसमें सारे vegetables के taste आ रहे हैं and बहुत ही अच्छा. भी आप इसे diet में भी use कर सकते हो अगर आप dieting करते हो. बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है. मैंने थोड़ा सा खाया, बाकी सब ने टेस्ट किया है. बहुत अच्छा लगा. आप लोग भी ज़रूर ट्राई करना, ये रेसिपी बहुत ही अच्छा है. अब ब्रेकफास्ट हो गई है हमारी, लंच करेंगे हम लोग थोड़ी देर. आवर ब्रेकफास्ट इज डन. 5 hours later. For the lunch, guys, we are going to make authentic Korean style ramen noodles. So मैंने वो buy कर लिया था ramen noodles, तो अभी हम लोग वही खाएंगे because the lunch वैसे ही breakfast वैसे ही बहुत fulfilling थी. So इसलिए lunch में हम लोग बनाएंगे simple सा ramen noodles. So I'm really excited to taste the ramen noodles because this is my first time to eat ramen noodles. Okay, so let's make it. आपने देखा ब्रेकफास्ट थोड़ी फुलफिलिंग थी, बहुत ही अच्छी ब्रेकफास्ट मैंने बनाई है. तो वो
थोड़ी हैवी थी इसलिए मैंने लाइट ही बनाया रामेन नूडल्स। एंड जनरली मैंने बहुत सारी कोरिया के ब्लॉग्स देखे हैं तो उसमें वो लोग लंच में ही रामेन नूडल्स खाते हैं, सो वी आर ऑल्सो ईटिंग इट। एंड मैंने इसमें सोया सॉस भी ऐड किया है बिकॉज सोया सॉस तो मस्ट है कोरियंस लोग के लिए। सो नाउ लेट्स ईट इट चैलेंज, दैट्स व्हाई आई हैव टू ईट दीज मील्स। वैसे तो हम लोग जनरली इंडियंस में तो दिन में कभी नूडल्स नहीं खाते, हम लोग स्नैक्स टाइम में ही खाते हैं, बट या ऐसे भी मैं शेयर कर रही हूँ, मैं कुछ भी कोरियन चीज़ बना रही हूँ तो सब खा रहे हैं, कोई बात नहीं। मम्मा ने भी टेस्ट किया है, इसमें कोई अलग से मसाले नहीं, सिर्फ सोया सॉस है। लंच मैंने कर लिया है एंड द रामेन नूडल्स वाज सो गुड, सोया सॉस डाला था तो उसमें बहुत अच्छा आया वो टेस्ट। अब मैं मम्मा एंड अपी लोग जा रहे हैं मूवी देखने के लिए, कुछ चिल मारते हैं एंड टुडे सैटरडे एंड विश्वकर्मा पूजा ऑल्सो, सो एंड छुट्टी तो नहीं था बिकॉज आज सुबह बहुत ज़्यादा हेवी रेनफॉल होने लगा था, दैट्स वाई स्कूल हमारा क्लोज हो गया था एंड मैं घर में थी, तो इससे अच्छा टाइम क्या हो सकता है ये 24 आवर्स चैलेंज के लिए। सो अब जाती हूँ मैं मूवी देखने के लिए, फिर मैं आपसे मिलती हूँ स्नैक्स टाइम में, एंड स्नैक्स टाइम में मैं बहुत ही टेस्टी सा कुछ बनाऊंगी। लेटर दैट सेम इवनिंग स्नैक्स टाइम, एंड स्नैक्स टाइम में हम लोग बनाने वाले हैं कोरियन स्टाइल पास्ता, जो कि पास्ता भी बॉइल होने के रखा है, तो मैंने सोचा क्यों ना अभी हम लोग कॉफ़ी की तैयारी कर लें बिकॉज वो कोरियंस लोग इवनिंग में तो सभी लोग चाय या कॉफ़ी पीते हैं, तो अभी हम लोग भी कॉफ़ी बनाएंगे कोरियन स्टाइल कोल्ड कॉफ़ी, वैसे ऐसे ही बनती है हमेशा। एंड अभी यहाँ का वेदर भी बहुत ही अच्छा है, यहाँ पर मैंने अभी वॉर्म वाटर लिया है, इसमें थोड़ा सा कॉफ़ी ऐड करेंगे। इतना पसीना पसीना में हो गया ये स्नैक्स बनाने में, एंड हमारा ये कॉफ़ी जो है मैंने बहुत ज़्यादा विस्क किया एंड कितना सा था अभी, कितना सारा हो गया ना। अब हमारा पास्ता भी बॉईल हो गया, अब हम बनाते हैं कोरियन स्टाइल पास्ता। आपने पिछले ब्लॉग में एक वीडियो तो आपने देखा ही होगा जिसमें मैंने बनाया था कोरियन स्टाइल मैगी, वैसे ही हम लोग सेम कोरियन स्टाइल पास्ता भी बनाने वाले हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वो वीडियो ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। अब पास्ता बनाते हैं, लेट्स सी कि उसका टेस्ट कैसा होता है। गार्लिक इसमें कट कर दिया बिल्कुल फाइन चॉप, अब इसमें हम ऐड करेंगे अपना सोया सॉस का क्वान्टिटी ज़्यादा रखेंगे बिकॉज पास्ता हमारा बहुत ज़्यादा है, थोड़ा और सोया सॉस जा रहा है। मतलब ये कोरियन स्टाइल में क्या होता है ना कि सारे सॉस की कॉम्बिनेशन रहती है एंड फिर उसमें मैगी और फिर उसमें पास्ता डाल। अब हम थोड़ा ऑयल हीट करेंगे, सो ऑयल भी हमारा ऐड हो गया एंड मैंने मेन चीज ही भूल गई थी डालना, विच इज मैगी मसाला है मैजिक, फूड ऐड करेंगे। तो ये हो रही है हमारी मिक्स, ओह माय गॉड सो डार्क, and the mixing is the most satisfying part of it's time for coffee. कॉफ़ी तो मैंने मिक्स करके रखी, हमने ऐड कर दिया है एंड कॉफ़ी एक बार थोड़ा विस्क करेंगे ताकि सारा कॉफ़ी मिक्स हो जाए, एंड ये बहुत ही ज़्यादा फ्लफी सा है, इसमें ऐड करेंगे। ओह वाओ, लेट्स ऐड आवर मिल्क, गुड मिक्स इट, रियली गुड। अब मैं अपना प्लेटिंग करती हूँ, माई स्नैक्स आर रेडी एंड इट्स लुकिंग सो क्यूट। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज वीडियो एंड बहुत ही लिटरली गाइज बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है वीडियो फिल्म करने में बिकॉज तीनों टाइम चार टाइम का खाना मुझे बनाना पड़ा, एक्चुअली चार नहीं तीन टाइम, बिकॉज डिनर में हमने मैक्रोनी खाया था तो बहुत ज़्यादा हैवी हो गया था, इतना फुलफिलिंग था वो एंड साथ में कोल्ड कॉफ़ी ऑल्सो, दैट्स वाई आई डिडेंट मेक डिनर बिकॉज डिनर खाने का मुझे मन भी नहीं था, मैंने स्किप किया, सो चलता है। चैनल को सब्सक्राइब करो एंड या मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।